ये चेक करो क्या खतरनाक हो रहा है, पूरे नेटवर्क गायब हो गए जबकि यहाँ पे टावर है जियो का। अब आएगा मजा इस व्यू के साथ मैगी खाने का। पांच छह तलवारें रखे उनको लेके मैं उसके ऊपर चल के दिखाऊं। हर्षल में कोई भी ऐसा होम स्टे नहीं है, मैंने इतना घूम लिया जिसका इतना प्यारा व्यू हो। हर्षल वैली में आपको ऐसे ना वाटरफॉल कई जगह देखने को मिल जाएंगे। अरे वाह, फिलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ मुखवा गांव में। यहाँ लिखा भी है ये मुखवा विलेज है जो ऋषि मतंग की भूमि है, जहाँ ऋषि मतंग ने माँ गंगा वर प्राप्त किया था कि शीत ऋतु में जहाँ गंगोत्री में देवता पूजा करेंगे वहीं आप मुखवा ग्राम में निवास करेंगे। बेसिकली यहाँ गंगा माता का मंदिर है ऊपर, जहाँ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दिखाता हूँ। ये मुखवा विलेज में, मुखवा विलेज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हर्षिल से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की दूरी है। मंदिर का मेन सीन क्या है कि जो गंगोत्री मंदिर है ना, जहाँ पर 6 महीने मूर्ति वहाँ विराजमान होती है, फिर 6 महीने यहाँ पर ले आते हैं सो डैट यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, चार धाम की कपाट बंद हो जाते हैं, सो शीत ऋतु में जो लिखा हुआ था पीछे, तो इसलिए यहाँ पर पूजी जाती है। सीधे जाके मुखवा विलेज है और ये जा रहा है ऊपर रास्ता गंगा माता का मंदिर का। अगर आप हर्षिल आ रहे हो तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये ज़रूर घूमना, ये कवर करना, क्योंकि ये देखने लायक है यहाँ पर। मेन इसलिए है क्योंकि यहाँ 6 महीने यहाँ पर भी गंगा माँ विराजमान होती हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका ट्रैक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है वहाँ पर मंदिर ऊपर। हेलो, सेम गंगोत्री धाम के जैसे बना हुआ है। अभी मंदिर बंद है, थोड़ी देर में खुलने वाला है, कपाट बंद है अभी। ये यहाँ के ग्राम देवता का मंदिर है, दिस वन। ये पूरा विलेज देखो आप, 300-400 साल पुराना गांव है पूरा। हवा देख रहे हो कितनी देर चल रही है, और वो देखो धूप निकल रही थी, धूप भी जाने वाली है क्योंकि बादल आ गए, कभी बारिश हो सकती है। ये मंदिर के बैक साइड का एरिया है, तब इसे कह सकते हैं छोटा गंगोत्री धाम भी कह सकते हैं। जैसे गंगोत्री के जो दर्शन करते हैं, जो 6 महीने वहाँ दर्शन कर लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने यहाँ दर्शन करते हैं आके, क्योंकि सारे को दर्शन नहीं हो पाते, बंद हो जाती है चारधाम की यात्रा। सो ये है मंदिर पूरा। जय हो गंगे मैया। हमारे ग्राम देवता है जी, तो इनको 17 सितंबर का एक मेला लगता है, उसको बोलते हैं सेलकू मेला। सेलकू मेला का मतलब सोएगा कौन, उस दिन पूरे रात भर जागरण होता है, कोई सोता नहीं। हाँ, तो ये 16 सितंबर को होता है रात वाला। अच्छा, और 17 सितंबर को वो मेला है दिन में ये पालगी को छुलाते हैं जी, और रासू लगते हैं, घीत लगते हैं, तांदी लगती है, फरसा होता है लोहे का बना हुआ। अच्छा, जैसे कुलाड़ी होते हैं ना जी जी जी, इसी तरह से धारदार। अच्छा, उसके ऊपर ये यहाँ से इस जगह से जो चौरी बोलते हैं इसको, हाँ जी, हाथी चौरी होती है, यहाँ इसके ऊपर से वो पार तक चले जाता है। यहाँ सेब पहले पहले लाए हैं, सेब की पैदावार ये विल्सन, विल्सन विल्सन है। इसने जो है, इसने जब देखा वो मेला, तो उसने कहा यार इतना धारदार नहीं, इसके ऊपर तो हर कोई चल देगा, ये सब जो उसने बोले। फिर हमारे जिस पे वो अवृत होता था, उसने बोला सुने तेरे 7 बक्से हैं वहाँ, एक बक्से में तेरे 5-6 तलवारें रखे, उनको लेके मैं उसके ऊपर चल के दिखाऊंगा तुझे। बोला भाई ये क्या बोला, इसको कहाँ से पता है कि मेरी तलवार रखी है। वहीं पे तो अचंभा हो गया था उसको, लेकिन फिर भी वो गया मंगाया उस तलवारों के ऊपर, ये हमारा जो अवृत होता है समेश्वर देवता, वो चल के दिखाया, दिखाया। उस समय उसने एक शॉल दिया था, आज की डेट में भी वो शॉल रखा हमने। अच्छा, आज की डेट में। अच्छा, तो ये घंटी उन्होंने चढ़ाई थी, जहाँ पे डोली है ना पालकी देवता की, वहाँ पे लगी वो चुन्नी पहना रखी। वो घंटी मैं आपको दिखाता हूँ, जिनके अंकल जी हमें बात बता रहे कि जो विल्सन ने दी थी, और उसकी आवाज कहते हैं वो सामने श्रीकंठ तक जाती है, बहुत दूर दूर तक उसकी घंटी की आवाज़ जाती है। तो अभी लेकर जा रहे हैं पुजारी जी अंदर। ये रखी है पालकी, ये वाली है जी। अरे वाह, ये पालकी है यहाँ के ग्राम देवता की, ये नरसिंह देवता का मंदिर है वाला। तो ये थी वो घंटी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, सुनाना चाह रहा था। तो एक बार आप मेरे पीछे घर देखो, इसका डिज़ाइन देखो किस तरीके से बनाया गया, पूरा 2000 वर्ष पुराना घर है पूरा, आप इमेजिन कर सकते हो 2000 वर्ष पुराना। थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है लकड़ी वकड़ी यूज़ करके, बट देखो डिज़ाइन इसका, बहुत पुराना घर है
और मुखवा विलेज की खासियत है कि यहाँ पे जितने भी घर हैं यूनिक स्टाइल में बने हुए हैं। आप देख लो ज़्यादातर लकड़ियों के बने हुए हैं, वो टॉप पर देख लो चाहे जितने भी हैं, काफ़ी पुराने पुराने घर हैं क्योंकि गांव ही 300-400 साल पुराना है। ये जो पहले एक आधे घर बन गए थे उनमें से एक ये हैं। कुछ इस तरीके का व्यू होता है, देखो मैं कह रहा था धूप चली गई। यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत रहता है यार, मतलब अगर आप अकेले आ रहे हो ना, आप आराम से बैठो यहाँ पे, रिलैक्स करो, मन की शांति, पीस, नेचर को देखो, समय व्यतीत करो, यहाँ पे भगवान में ध्यान लगाओ। मैं कह रहा हूँ उससे खूबसूरत जगह कोई नहीं है फिर। और उत्तराखंड तो देवभूमि कहते हैं, देवताओं की भूमि है। फिर बच्चों का स्कूल है। हाँ तो स्कूल का क्या होता होगा फिर? स्कूल का चले जाते हैं, वहीं पढ़ा रहे बच्चों को। उत्तरकाशी में उत्तरकाशी डिग्री कॉलेज है। हाँ जी, उच्च शिक्षा यहाँ तो है भी कॉलेज, लेकिन अब इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं है। इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं है भाई, डिफिकल्ट लाइफ है। 6 महीने यहाँ रुकना, 6 महीने नीचे जाना, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब देखना। बच्चों की पढ़ाई की वजह से ज्यादा। हाँ भैया, बच्चों की पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा आपको शिफ्ट होना पड़ता होगा ज्यादा। और ज्यादा बच्चों की पढ़ाई की वजह, अभी तक हमारी फैमिली अभी तक नहीं आई है। अच्छा, सो ये था वो मंदिर माँ गंगा का। बहुत सारी मान्यता है इनकी, काफी सारी चीजें। जब तक आप खुद से नहीं आओगे, खुद से नहीं देखोगे, तो पता नहीं चलेगा। और मौसम देखो कितना खूबसूरत हो गया है। हर्षिल वैली का मौसम यार, मतलब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम ही पूरा अच्छा है। हर्षिल वैली क्या कहें, उत्तरकाशी का ही पूरा मौसम अच्छा है। यहाँ से जो पूरा व्यू दिख रहा ना, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, 4 बजे ज़्यादा टाइम भी नहीं हो, और देखो ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 बज गए हों। और बारिश मैं कह रहा हूँ किसी वक्त आने वाली है। एक बारिश आ जाए, भीग जाए, उससे पहले मैं जा रहा हूँ अपने होम से। आपको लास्ट में होम से दिखाऊंगा जरूर, बजट बताऊंगा पूरा कि आप अगर आ रहे हैं कैसे कैसे प्लान करें, कितना खर्चा आने वाला टोटल। आ जा। क्या हो गया। हाँ चलो बाय बाय, मस्ती करनी है। मौसम का मिजाज देखो कितना बदल गया, एकदम से धूप से बारिश स्टार्ट हो गई पूरी, और वो देखो कितने क्लियर चमक रहे हैं बर्फ़ के पहाड़। बट मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था कि हर्षिल वैली में आपको ऐसे ना वाटरफॉल कई जगह देखने को मिल जाएंगे। बारिश हो रही है, मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर। मैं आपको जो होम से दिखा रहा था अपना, वो दिखा रहा हूँ, ये है सबसे ऊपर वाला टॉप पे, तो आपको लेकर चलता हूँ एक बार होम से दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत सामान उठाना मुझे, फिर नीचे जाना है। बट बारिश हो गई तेज अनफॉर्चुनेटली, और इसका रास्ता कुछ ये है कि गाड़ी आपकी यहाँ लग जाएगी नीचे, सो मैंने वहाँ लगा दी नीचे गाड़ी अपनी। ये रास्ता आ रहा ऊपर, बट यहाँ से जो व्यू है ना, मैं कह रहा हूँ हर्षिल में कोई भी ऐसा होम स्टे नहीं है, मैंने इतना घूम लिया, जिसका इतना प्यारा व्यू हो, इतने प्यारे रूम्स हो। सो ये अफोर्डेबल भी है, और एकांत में भी है, पीसफुल भी है, और बढ़िया भी है। ये है हमारे शिवम भाई, भाई ने इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी हमें, इतना अच्छा खाना, मतलब घर से जाना भाई। मैंने आपके रिव्यू पढ़े थे हर्षिल हेवन होम स्टे पे, जो गूगल पर डले हुए थे, उसमें दो चीज़ रिकमेंड थी अच्छी। एक तो व्यू बहुत प्यारा मिलेगा, जो कि है निकला। दूसरा था कि खाना बिल्कुल घर जैसा मिलेगा, खाना बहुत अच्छा मिलेगा। दोनों चीज़ बहुत अच्छी, और रूम तो बहुत अच्छा, और बाकी आपका नेचर तो भाई अलग ही है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी बुक करनी हो हर्षिल में, तो हर्षिल हेवन होम स्टे, ये कहाँ पड़ेगा हर्षिल से? ये हर्षिल से मुखवा रोड पड़ती है। तो मैंने आपको जो नीचे का व्यू दिखाया, आपको बस अपनी गाड़ी पार्क करनी है, वहाँ से चल के आना थोड़ा सा, और इतना अच्छा प्यारा व्यू मैं कह रहा हूँ हर्षिल में कहीं नहीं है। बहुत सारी जगह मैंने आपको दिखा दी, गढ़वाल मंडल के भी दिखा दिए, लेकिन ये जो जगह है, ये जो व्यू है, बहुत ही खतरनाक है। और रूम्स तो भाई एक नंबर है भाई के। सो भाई थैंक यू सो मच, अगर किसी को बुक करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर भी है। आजकल हर्षिल में ना काफ़ी ज़्यादा फुल चल रहा है, पैक चल रहा है, आपको करना हो भाई को कॉन्टैक्ट कर लेना। ये व्यू चेक करो, और उसके साथ ये देखो भाई ये क्या बन रहा है। ये मैं बना रहा हूँ मैगी अपनी, और पानी ये यहाँ पे बॉयल हो रहा है। ये हमारा हंस का स्टोव, मैं बाहर इसलिए लगा सकता, मेरा मन था यहाँ बैठ के बनाने का, बट आप देख रहे हो ना बारिश। मेरठ वाले जुगाड़ू होते हैं, मैंने क्या करा, मैंने छाता टांग दिया अपना ऊपर, तो यहाँ से सारा हो जाएगा। बट मैं आपको एक रिस्क लेके ये दिखाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये चेक करो क्या खतरनाक हो रहा है, पूरे नेटवर्क गायब हो गए, जबकि यहाँ पे टावर है जियो का। कैंपिंग करने के लिए बेस्ट है बेस्ट। ऐसे में मन था कि कुछ अपने हाथ से सेल्फ कुक किया जाए, तो यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च कट कर लिए, पानी बॉयल हो रहा है, मैगी हमारी है, बनाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं व्यू का, और बारिश का तो मज़े लेते हैं। बारिश अगर आ जाए तो क्या, हमें कोई रोक सकता। आप यहाँ पर आ रहे हो ना हर्षिल, नेटवर्क कनेक्टिविटी जियो की अच्छी है यहाँ पे। जियो मतलब ऑल ओवर चलता है, एयरटेल इतना सक्सेसफुल नहीं है, मेरा खुद का एयरटेल है तो एयरटेल नहीं चल पा रहा, बट जियो चल रहा है बहुत अच्छा। तो मेक श्योर जब भी आप आओ जियो का सिम जोड़ लेना। फिलहाल आप मैगी के मज़े लो, आ जाओ। आग लगी। चेक करो आप लोग, एक मिनट, ये हमारी मैगी ऑलमोस्ट बन गई भाई, तैयार हो गई। अब आएगा मज़ा इस व्यू के साथ मैगी खाने का। भीग गया थोड़ा सा, बट ठीक है, आई एम लविंग इट। तो गाइस हमारी मैगी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है,
एंड चेक दिस आउट, बारिश अभी तक पड़ रही है, बारिश रुकी नहीं, और सिप लेकर देखते हैं कैसी बनी है। अपने हाथ की तो अच्छी रहती है वैसे। एक नंबर। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सामने का व्यू देख लो, गाड़ी में पूरे फॉग फॉग हो गया है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता था कि आपका बजट कितना रहने वाला है अगर आप हर्षिल प्लान कर रहे हैं तो। भाई देखो टोटल आप कैलकुलेट कर लेना, मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि आपको 1500 से 2000 रुपए का अच्छा होम से मिल जाएगा। 2000 का तो मिलेगा वन डे के लिए, जिसमें आपका खाना भी इंक्लूड होगा, ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है, पर पर्सन का बता रहा हूँ। अगर आप कपल में भी हैं तो कपल में 2500-3000 इतना होगा मेरे ख्याल से। घूमने का अगर आप सेल्फ कुकिंग करोगे तो बचेगा, नहीं तो भाई आपको बाहर की डाइट मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे घूमना है, अगर आपकी सेल्फ गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ से टैक्सियाँ चलती हैं, मैक्स चलती है, मैक्स से आप गंगोत्री जा सकते हो, गंगोत्री पूरा कवर कर सकते हो। तो ये पूरा बजट रहने वाला है, मतलब मैंने आपको मोटा मोटा होटल का बता दिया, जो नियर बाय थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे कि आप देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश से कैसे आ सकते हो। इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। जितनी मैंने आपको सब कुछ दिखाया सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई होप आपको सीरीज अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। गंगोत्री की सीरीज आने वाली है, गंगोत्री सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे जरूर एक बार हर्षिल लाइफ में अपनी विजिट करो। बाय।